नमस्कार दोस्तों, आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं रूट के बारे में। तो एक्चुअल में रूट क्या है, रूट के बारे में थोड़ी डिटेल्स जानेंगे और रूट के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल रूट का मतलब होता है, जिन काफी लोगों को पता होगा रूट का मतलब, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि रूट का मतलब होता है जड़। तो किसी भी चीज की आप जड़ तक पहुंच जाते हैं, तो फिर जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, एक दांत की जड़ होती है और काफी सारी जड़ का यूज होता है। तो जड़ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, नॉर्मल जो जड़ यूज होता है वही ही रूट कहलाता है। तो रूट के जो फायदे हैं वो तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लॉसेस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आपने रूट कर लिया तो उसके लॉस के बारे में पहले जानना आपको बहुत जरूरी है। तो ये मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको फायदे और नुकसान के बारे में, दोनों के बारे में पता पड़ जाएगा और आप अच्छे से रूट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आपको मैं इस वीडियो में पूरा एंड तक देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला नुकसान ये है कि आपको रूट करने पर, अगर आपकी कंपनी, अगर आप किसी सैमसंग एसटीसी या इसका फोन यूज कर रहे हैं, अदर कंपनीज जो रूट प्रोवाइड में वारंटी को लॉस कर देती है, जैसे ही आप फोन को रूट करेंगे और उन्होंने वारंटी को उधर से ही खत्म कर देना है। आप अगर रूट करते हैं फोन को, तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि आपकी फोन की कंपनी रूट को अलाउ करती है या नहीं। अगर उसकी वारंटी खत्म हो जाती है तो आपके फोन की वारंटी खत्म हो जाती है, इससे आपका कुछ भी डैमेज होता है तो फिर वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है। हम बात कर रहे हैं दूसरे नुकसान के बारे में। इसमें आपको ये नुकसान हो सकता है कि आप अगर फोन को रूट करें और आपका फोन डेड हो सकता है, तो आप इस फोन को रूट करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन रूट के जरूर पढ़े और कौन सा रूट सपोर्टेबल है उसमें इंस्ट्रक्शन जाके लिखे होंगे पहले वो रीड करें, फिर ही आप रूट करें, नहीं तो आपका फोन भी डेड हो सकता है। एक फ्रेंड है मेरा, उसने रूट किया फोन और उसका फोन डेड हो गया पूरा। इसको हालांकि सही करने के तरीके हैं, बट ये ज्यादा सक्सेस अगर आपका फोन ज्यादातर से डैमेज हो जाता है, मीन्स यार कुछ अंदरूनी गड़बड़ आ जाती है तो और आपका फोन डेड हो जाएगा। तो इसलिए रूट करने से पहले रूट के इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। ज्यादातर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरा फोन भी रूटेड है। तो चलिए हम तीसरे नुकसान के बारे में बात करते हैं। तीसरा नुकसान ये है कि आपको आपका फोन जब रूट हो जाता है तो वो फुल्ली अनकंट्रोल हो जाता है, और कोई भी अगर आप अननेसेसरी ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने फोन के अंदर, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्रॉयड की नहीं होगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि आपने उसको रूट किया है। तो इतना ध्यान रखिए कि ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। और आपका फोन हैक हो सकता है, आपके फोन में कुछ गड़बड़ आ सकती है रूट करने पे, तो रूट ना करें तो बेटर है, और फोन आपका हैंग भी होगा रूट करने से। तो काफी सारे नुकसान है इसको, काफी सारे और बहुत सारे नुकसान है, उसके लिए मैं एक ब्लॉग राइट कर रहा हूँ, आप वो ब्लॉग पढ़ सकते हैं रूट के नुकसानों के बारे में। तो अब फायदों की बात करते हैं। फायदों की बात ये है, रूट करने से आप जितनी भी प्ले स्टोर पे या फिर कुछ रूटेड परमिशन वाली एप्स है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप दो चला सकते हैं एक फोन में रूट परमिशन की वजह से, और काफी सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो रूट की वजह से चलेगी। तो आप उनको परमिशन तो दे रहे हैं, बट अगर वो फ्रॉड निकली है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि आपने उसको अनरूट किया है फोन को, मीन्स आप जड़ में चले गए हैं फोन की और जड़ से आप उसको कंट्रोलेशन दे रहे हैं कि भाई तू कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी है जो हैकिंग के रिलेटेड है, जैसे वाईफाई हैकिंग वगैरह रूट परमिशन मांगती है, तो वो आप एक्सेस कर पाएंगे। और काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में जाकर, मैंने आपको बोला अभी ब्लॉग आप मेरा पढ़ सकते हैं, उसमें काफी सारे रूट के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया है। ये दरअसल ब्लॉग इंग्लिश में है, तो अगर आपको हिंदी में ब्लॉग चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन, एनी क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ये मेरा सब्सक्राइब बटन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के रेड बटन के साइड में एक बेल का बटन दिखेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आने वाली लेटेस्ट वीडियोज जिसमें आपको मैं बताऊंगा टेक्नोलॉजी के बारे में, वो आपको उसके बारे में अपडेट मिलती रहेगी। तो इसी के साथ आपने जाना कि आज रूट के फायदे और नुकसानों के बारे में, तो ये थोड़े बहुत थे, बाकी ब्लॉग में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा तो आपको अच्छे से पता पड़ जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और यार लाइक कर दो यार, अगली वीडियोस में मिलते हैं। अगली वीडियोस में अपडेट करता रहूँगा, जल्दी मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ।
जय हिंद, वंदे मातरम।